शिव बाबा, उसके गुड़ बहुत मीठा होता है, ऐसे ही सबसे मीठा कौन है? जो भी आत्माएं हैं उन आत्माओं के बीच में, पार्टधारी आत्माओं के बीच में सबसे मीठा कौन है? शिव बाबा, वो हो गया गुड़। अब वो जिस थैले में डाला जाता है उसका नाम है गोथरी। बोरा होता है ना, जूट का बना हुआ बोरा, उसको कहते हैं गोथरी। तो थैला क्या हो गया? गोथरी। अब गुड़ उसमें डाला गया, गुड़ तो कैसा होता है? चिपकने वाला होता है। तो जिस थैले में शिव प्रवेश करता है वो शरीर रूपी थैला भी गुड़ से चिपक जाता है। इतनी इतनी करते हैं कीड़े मकोड़े, चढ़ते हैं तो गुड़ को भी पता चलता है। और जो गोथरी है उसको भी पता चलता है। पर क्या होता है? जीव अंतर्यामी है और जो गोथरी है फैला है वो बहिर्यामी है, माने बाहर की एक्ट से पहचानता है, वृत्ति से वाचा से पहचान लेता है ये कीड़ा मकोड़ा है या सुख देने वाला है। और गुड़ तो है ही अंतर्यामी शिव बाबा, कहावत बनी हुई है गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। प्रश्न है, ज्ञान में यशोदा का पार्ट कौन है? प्रश्न पूछने से पहले पूछने वाला नाम के ऊपर ध्यान दे तो अर्थ क्लियर हो जाता है। नाम क्या है? यशोदा। क्या था दा माने देना। यशोदा ने क्या दिया है? यश दिया। यश दिया या अपयश दिया? यश का अर्थ नहीं मालूम। यश माने महिमा, अपयश माने ग्लानी। यशोदा ने क्या दिया भगवान को है? यश दिया, महिमा दी, तो नाम पड़ गए यशोदा। औरों ने क्या किया? तो प्रधान स्टेज में यश भी दिया, फिर तमो प्रधान स्टेज में बहुत ग्लानी भी थी। क्या एक होते हैं भारतवासी और एक होते हैं क्रिश्चियन, ज्यादा तमो प्रधान कौन बनते हैं? भारतवासी।
तो भारतवासी ज्यादा ग्लानी करते हैं भगवान की? या विदेशी भगवान की ज्यादा ग्लानी करते हैं? भारतवासी ही, मेरे बच्चे ही मेरी सबसे ज्यादा ग्लानी करते हैं। और यशोदा नंद बाबा ये भारतवासी हैं या विदेशी हैं? अरे यादव हैं या हिंदू हैं? यादव संप्रदाय है, संप्रदाय दिखाया है यादव संप्रदाय। और कृष्ण भी क्या बन करके आता है? शास्त्रों में कृष्ण का, कृष्ण को क्या दिखाया है? यादव। बाप बच्चों के सामने विदेशी बन करके आए हैं है? तो विदेशियों के बीच में जो यशोदा का पार्ट है वो सबसे ज्यादा यश देने वाला पार्ट है। पालना करती है तो पालना में घृणा नहीं करती, ग्लानी नहीं करती, क्या करती है? है महिमा करती है, यश देती है, अपयश नहीं देती। इसलिए नाम यशोदा पड़ा। वैसे भी देखा जाए दुनिया में जितने भी संबंध होते हैं, बाती बाती के संबंध तो होते हैं ना, उनमें ऐसा संबंध कौन सा है जो बच्चे को अच्छे रूप में ही देखता है, अपने बच्चे को खराब रूप में देखता ही नहीं? कोई कितनी भी शिकायत करे तो भी माता को अपना बच्चा अच्छा ही दिखाई पड़ता है और अच्छी ही भावना रखेगी, कभी भी बुरी भावना नहीं रखेगी। मार तक मचाएगी, मार काट मचाने से पहले ऐसा कुछ बोला है? उत्तर दिया तो बताया नहीं, सीन तो होते ही रहते हैं, ढेर सारे सीन है ड्रामा में, अच्छे सीन है बुरे भी सीन है, ये क्या बड़ी बात हो गई? अभी संगम युग में सूर्यवंशी चंद्रवंशी के लक्षण क्या है? सूर्य का लक्षण क्या है और चंद्रमा का लक्षण क्या है? अगर सूर्य और चंद्रमा के लक्षण का पता लग जाए तो जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होंगे उनके लक्षण का भी पता लग जाएगा। सूर्य का लक्षण क्या है? रोशनी देता है,
और जब तीखी रोशनी देता है, तीक्ष्ण रूप धारण करता है, तो खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाए देता है। और चंद्रमा रोशनी नहीं देता, चंद्रमा के अंदर खुद की रोशनी है, खुद की रोशनी है ही नहीं। अभी मुरली में क्या बताया, बाप और दादा में क्या अंतर बताया, ये दादा में समझ है ही नहीं। समझ माने ज्ञान, ज्ञान की रोशनी नहीं है। तो जो चंद्रमा है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, उसमें अपनी रोशनी नहीं है। कैसे प्रकाशित होता है, रात में चंद्रमा देखते हैं तो प्रकाशित तो होता है, कैसे प्रकाशित होता है? हाँ, ऐसे प्रकाशित होता है कि एक तरफ सूर्य, बीच में पृथ्वी आ जाती है तिरछी, और दूसरी तरफ चंद्रमा। माने सूर्य भी ऊपर है, चंद्रमा भी ऊपर है, पृथ्वी नीचे है, तो सूर्य की डायरेक्ट किरणें कहाँ पड़ती हैं? चंद्रमा के ऊपर पड़ती है। पूरे चंद्रमा के ऊपर जब किरणें पड़ती हैं, सूर्य की पृथ्वी की परछाया नहीं पड़ती है, तो चंद्रमा पूरा रोशनी वाला दिखाई देता है या अंधेरा दिखाई देता है? तो क्या कहेंगे, किसकी रोशनी से प्रकाशित है? देखिए, पृथ्वी की रोशनी से, ये अपनी रोशनी से नहीं, सूर्य की रोशनी से प्रकाशित है। वो ही चंद्रमा जब बीच में पृथ्वी आ जाती है, एक तरफ सूर्य है, बीच में पृथ्वी है, इधर चंद्रमा है, तो प्रकाशित दिखाई देता है या अंधेरा चंद्रमा दिखाई देता है? अमावस्या। क्यों? पृथ्वी का परछाया पड़ गया, माने माताएं जो कन्याएं हैं उसको प्रभावित कर लेती है, और माताओं कन्याओं से बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाता है, परछाया पड़ जाता है, और सूर्य का प्रभाव ढक जाता है। ये चंद्रमा की गति है और वो सूर्य की गति है। अब सूर्य वंश और चंद्रवंश का अर्थ समझ लें। जो सूर्य के लक्षण वो सूर्यवंशियों के लक्षण, जो चंद्रमा के लक्षण वो चंद्रवंशियों के लक्षण, और चंद्रमा शीतल होता है सदैव या गर्म भी होता है? शीतल होता है। और जो बच्चे हैं चंद्रमा के, वो भी कैसे स्वभाव के होते हैं? शीतल स्वभाव के। उस शीतल स्वभाव के आधार पर ही नाम पड़ता है सीता। क्या नाम पड़ा? सीता, ठंडे स्वभाव वाली। और अगला प्रश्न है, प्रश्न आया, ब्रह्मपुत्र है जगदम्बा, फिर ब्रह्मपुत्री कौन है? ये प्रश्न ही गलत हो गया। भक्ति मार्ग में या जो भी किताबें या नक्शे छपाए गए हैं अभी मनुष्यों के द्वारा, उसमें नाम ब्रह्मपुत्रा है या ब्रह्मपुत्री नाम है?
जो नक्शे बने हैं अभी दुनिया भी, उनमें उस नदी का नाम ब्रह्मपुत्री है या ब्रह्मपुत्र है? है नहीं, ये ब्रह्मपुत्र तो बाबा ने नाम रखा है। तो नक्शे देखो ध्यान से, जो नदी पहाड़ों पर बहती है ऊंची ऊंची स्टेज में, लास्ट में आकर के नीचे समुद्र में गिरती है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्री नदी। क्या ब्रह्मपुत्रा नाम नहीं है, ब्रह्मपुत्री है। माने ब्रह्म कौन है? ब्रह्म तत्व है या आत्मा है? ब्रह्म तत्व है। ऐसे वो ब्रह्म तत्व है जहाँ से आत्माएं आती है। निराकारी लोक जड़ तत्व है या चैतन्य है? जड़ तत्व है। ऐसे ही साकार दुनिया में ब्रह्मा है, आत्मा तो चैतन्य है, लेकिन जड़त्वमयी बुद्धि वाली है या चैतन्यमयी बुद्धि है? जड़त्वमयी बुद्धि है। जितना शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश करके सुना दिया उतना सुन लिया, बाकी बुद्धि चलती है या नहीं चलती है? नहीं चलती। तो वो भी साकार दुनिया का ब्रह्म तत्व है। और जो भी आत्माएं संगम युग में पैदा होती हैं, वो ब्रह्मा से पैदा होती हैं या विष्णु शंकर से पैदा होती हैं? है? ब्रह्मा से पैदा होती। वो निराकारी धाम जहां से आत्माएं पैदा होती आती, यह साकार दुनिया का आत्मा है, उसके बुद्ध रूपी पेट से आती है। तो ब्रह्म तत्व हुआ और उसकी पुत्री कौन है? है? ब्रह्मा की पुत्री कौन है? ब्रह्मा है दिव्य गुणों की धारणा करने वाला, कि कभी अवगुणों को धारण किया? ब्रह्मा ने अवगुणों को धारण किया या गुणों को धारण किया? गुणों को धारण किया। तो उसकी पुत्री भी कैसी होगी? हैं? गुणों को धारण करने वाली सर्वगुण संपन्न कौन है? वैष्णवी। तो ब्रह्मा की पुत्री कौन हुई जो सदैव पवित्रता की ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है? ऊंची स्टेज में बहती है या नीचे आती है? ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है। सारी नदी की लंबाई देखो, सदैव ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है, बाकी बाद में तो सबको नीचे गिरना ही होता है। तो ब्रह्मपुत्री नदी है, बाबा ने नाम दिया है ब्रह्मपुत्रा। भक्ति मार्ग में जो भी गायन है संपूर्णता की यादगार है या अपूर्ण स्टेज की यादगार है? संपूर्णता की स्टेज की यादगार है। वास्तव में ब्रह्मपुत्री प्रजा पिता को नहीं बोला गया, पहला पहला प्रजा पिता ब्रह्मा को। फिर ज्ञानमान सरोवर कौन है जहाँ से नदी निकलती है?
लेकिन हमको भी तो अपनी अकल है। ज्ञानमान सरोवर किसको बोला है जो पहाड़ की ऊंची स्टेज पे है और सदैव ही ऊंची स्टेज पर है, है? जो बाबा जो साकार पार्ट है वो ज्ञानमान सरोवर है और उस सरोवर की तरफ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। शास्त्रों में और मैप्स में उसका नाम ब्रह्मपुत्री लिखा है, वो संपन्न स्टेज की यादगार है। और देवी के बड़ा विकराल रूप, तामसी रूप भक्ति मार्ग के आदि में कहेंगे या अंत में कहेंगे, माना जो वैष्णवी का मुख्य पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो कभी तामसी बनती है या नहीं बनती है, है? नहीं बनती। अष्टदेव तामसी बनते हैं, वैष्णवी तामसी नहीं बनती। अष्टदेव जो गजाएं नहीं खाते हैं वो तामसी बनते हैं, और वैष्णवी और ब्रह्मा ये भी तो दो मूर्तियां हैं, वो तामसी नहीं बनते। तो दुनिया में हर आत्मा नीचे गिरती है, वैष्णवी की आत्मा भी जब नीचे गिरती है तो जगदम्बा से मेल खाती है। विष्णु देवता कब कहा जाएगा? जब चारों भुजाएं रूपी आत्माएं राम वाली आत्मा के साथ संस्कारों से मिलकर एक हो जाएं, संस्कारों से मिलकर एक होंगी या नहीं होंगी? होंगी। फिर जब संस्कारों से मिलकर के एक होने का टाइम आएगा तो टकराहट होगी या नहीं होगी? और उस टकराहट में विजय किसकी होगी? चार भुजाओं में से कौन सी भुजा है जिसकी विजय होगी? राम वाली आत्मा तो बुद्धि के रूप में उन भुजाओं को चलाने वाली है, परंतु उन भुजाओं में विजय किसकी होगी? है चार भुजाएं हैं, दो भुजाएं ऊपर और दो हो जाए नीचे। विनाश का पार्ट बजाने वाली कौन है? हो जाए अकेली जगदम्बा। नीचे जो भुजा दिखाई गई है और एक ऊपर भुजा दिखाई गई है बाई ओर की, वो दोनों भुजाएं कौन सी आत्माओं की सूचक है? है क्या लेफ्टिस्ट भुजाएं? ब्रह्मा बाबा को लेफ्टिस्ट में डाल दिया, ये सारी जिंदगी जिसने सहन किया है। हाँ नाम बताओ दोनों की। अरे विष्णु की चार भुजाएं हैं ना, दो राइट साइड में उनमें एक नीचे एक ऊपर और दो लेफ्ट साइड में। तो जो लेफ्ट साइड की दो भुजाएं हैं वो असुर संगारिणी है या नहीं है?
असुरों का संहार करने वाली है या नहीं है? है। उनमें वैसे भी असुर संहार नहीं है। जब असुरों का संहार हो जाता है तब शंखनाद करती है, विजय का शंख, विजय घोष, विजय का शंख गूंजता है, चारों तरफ आवाज फैलती है। क्या नित्य बुद्धि विजय से, नित्य अनित्य आने का कारण क्या होता है? वो कारण हरेक के अंदर छुपा हुआ है या बाहर से आता है? क्या है कारण? अनित्य कब आता है? जब अंदर से इम्प्योरिटी प्रत्यक्ष होती है। राधा में या वैष्णवी शक्ति में अंदर की इम्प्योरिटी और आत्माओं के मुकाबले कम होगी आखिरी जन्म में या ज्यादा होगी? कम होती है। ये आखिरी जन्म में जब जाकर के जगदम्बा से मेल खाए तो टकराहट होगी। इम्प्योरिटी से ही विनाश होता है, इम्प्योरिटी से स्थापना होती है। असुर संहारिणी गाई हुई है, चाहे वो सिंहवाहिनी देवी हो और चाहे वो बागंबरी देवी हो, दोनों ही असुरों का संहार करने वाली मेल है, तभी संपूर्णता होती है। तो जो नीचे वाली भुजा है विष्णु की बाई ओर की, में कमल दिखाया गया है और ऊपर वाली भुजा में शंख दिखाया गया है। कमल है वो महाकाल की, महाकाली का सूचक है। कमल कीचड़ में रहता है, महाकाली भी इस दुनिया में रह करके कहां पैठ बजाती है? कीचड़ की दुनिया में, घर गृहस्थ की दुनिया में रह करके पाठ बजाती है। इसलिए कमल का फूल नीचे दिखाया गया। स्टेज हमेशा नीचे ही रहेगी या ऊपर भी उठती है? जब वैष्णवी देवी के संग के रंग में आती है तो उसकी भी स्टेज ऊपर उठती है। दोनों का जब मेल होता है तो थोड़ा टकराहट भी होती है। ये दिखाया गया है तो वैसे भी विकराल रूप धारण करती है और आया है कि गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया, से चंद्रमा की रोशनी घट गई, काला पड़ गया। श्राप कब दिया जाता है? गुस्सा आता है तब श्राप देते हैं या खुशी आती है तब साप देते हैं?
है? अब चंद्रमा ने क्या खराब काम किया है? गणेश जी की ग्लानी करते चंद्रमा ने प्रजापति की जो और कन्याएं थी उनका तिरस्कार किया शादी करके, और सिर्फ एक रोहिणी का मान बढ़ाया। जब उन और कन्याओं के साथ भी शादी हुई थी तो सबको साथ लेकर के चलना चाहिए ना। ये बात प्रजापिता को प्रजापति को अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी है? बुरी लगती है। वो रोहिणी को ही वापस ले जाना चाहता है, और जो प्रजापति की कन्याएं हैं उनको छोड़ देना चाहता है। और इस बात पर प्रजापति को गुस्सा आ जाता है, श्राप दे देता है प्रजापति, तो छह रोग हो जाए, काला पड़ जाए। काला पड़ने का मतलब क्या हुआ है? रोशनी घटती जाती है। द्वापर युग से ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान चंद्रमा के जो भी फॉलोअर्स हैं उनकी रोशनी घटती जाती है। सूर्यवंशी जो आत्माएं हैं, जो आठ अष्टदेव हैं सूर्यवंशी, वो आखिरी जन्म तक भी आत्मिक स्टेज में स्थिर रहते हैं, इसलिए विधर्मियों का मुकाबला करते हैं। और जो माँ का पार्ट बजाने वाली है या माँ को जो फॉलो करने वाली आत्माएं हैं, माँ जैसा पार्ट बजाने वाली है, वो विधर्मी बच्चों के प्रभाव में आती रहती है, इसलिए उनकी रोशनी कम होती जाती। चंद्रमा में और प्रजापति में विशेष अंतर किस बात का है? है चंद्रमा ने एक रोहिणी को ही प्यार किया, और प्रजापति जिसमें शिव प्रवेश करता है वो सबको एक जैसा प्यार देता है, या कोई एक को ही विशेष प्यार करता है? सबको देता है। और ज्ञान में एडवांस में चलते हैं वो शरीर छोड़ते हैं। वो भाई लोग फिर एडवांस में आएगा या फिर आएगा? पीछे हटेगी आत्मा। मुरली में क्या बोला है, शास्त्रों में क्या बोला है, जो एक बार ज्ञान ले लेता है वो ज्ञान लेने के बाद उसका ज्ञान बरकरार रहता है या खत्म हो जाता है? दुनिया में तो जो पढ़ाई पढ़ते हैं इंजीनियरिंग की, इस जन्म में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ ली और शरीर छूट गया तो अगले जन्म में इंजीनियरिंग की पढ़ाई दोबारा पढ़नी पड़ेगी या वो पढ़ाई ऐड हो जाती है, दोबारा पढ़नी पड़ती है? और यहाँ क्या खासियत है? यहाँ जो एक बार ब्राह्मण बन गया और ब्राह्मण बने का ज्ञान ले लिया, अगर शरीर छोड़ता है तो आगे बढ़ेगा या पीछे हटेगा? आगे ही बढ़ेगा।
एडवांस में जो एक बार आ गया और सभी छोड़ दिया, एडवांस में आने के बाद आगे बढ़ना चाहिए या पीछे हटना चाहिए? प्रश्न क्यों आया? हाँ, वो बात दूसरी हो सकती है। कोई एडवांस में आया और एडवांस से घृणा हो गई, घृणा होने के बाद बीके में चला गया और वहां श्रद्धा विश्वास से पढ़ाई पढ़ने लगा, बाप को टोटली भूल गया। ऐसी स्टेज में अगर कभी छोड़ेगा तो पहले पहले एडवांस में आएगा अंत मते जो गति के अनुसार, या बेसिक में जाएगा, पहले बेसिक में जाएगा। विश्वासम फलदायकम, आत्मा को जहाँ विश्वास बैठ जाता है वैसा ही फल उसको मिलता है। ज्ञान सागर को हप नहीं किया, अरे चिड़िया तो एक चोंच लिया फिर जमीन में डाला, फिर लिया फिर जमीन में डाला, तो चिड़िया ज्ञान सागर को हप कर सकती है? सुनो, चिड़िया ज्ञान सागर को हप कर सकती है? हैं? नहीं कर सकती। लेकिन अगस्त ऋषि को उन चिड़ियों के ऊपर रहम आ गया, अरे बेचारी कितनी मेहनत करती है, क्या एक एक बूंद सागर में से गुस्सा आ गया ना चिड़ियों को, तो एक एक बूंद सागर में से लेकर के फिर जमीन पे डालती है, फिर सागर में लेकर के जमीन पे डालती है, तो इनको तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो उनके ऊपर जब रहम आ गया तो अगस्त ऋषि ने सारा सागर लेकर के दिया, क्योंकि उन चिड़ियों के अंडी बच्चे वो सागर बार बार बहा ले जाता था। फिर बताते हैं बाद में सागर को बाहर निकाल दिया बाथरूम करके, तो उस दिन से सागर खारा हो गया। ये सब बातें हैं कहाँ की, है कहाँ की यादगार है? चंदमी की यादगार है, और खास करके वो बातें जो मुरली में बोली गई है। अब यहाँ चिड़िया कौन है? 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 आत्मा, आत्मा, आत्मा तो चिड़ौटा नहीं होती है, आत्मा चिड़ौटा भी होते हैं, चिड़िया भी होती है। चिड़िया है कन्याएं माता है, क्रौंच पक्षी, वो इतना प्रयत्न करते हैं, गुस्सा आता है। ये सागर जो है वो बार बार मेरे बच्चों को नष्ट कर देता है। अब वो चिड़िया कहाँ है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में वो चिड़िया कहाँ है जिनके बच्चों को सागर बार बार बहा ले जाता है? वो बेसिक में बैठी हुई है, क्रंच पक्षी करो क्या, क्या माने और करो माने करो, करो माने करूं, क्या माने और, अरे और क्या करूं, तो बार बार मेरे बच्चों को बाहर ले जाता है।
हम अंधी बच्चे तैयार करते हैं और ये बार बार बहा ले जाता है। कहाँ बहा ले जाता है, एडवांस में आ जाते हैं बच्चे, तो उनको गुस्सा आ जाता है, तो छोटा छोटा प्रयत्न करती रहती है सागर को सुखाने का। अब बूंद बूंद करके कहीं सागर सूखेगा क्या? जो छोटा मोटा प्रयत्न करते हैं उससे सागर तो सूखने वाला नहीं। तो अगस्त ऋषि को रहम आ जाता है इसके ऊपर, उन क्रौंच पक्षियों के ऊपर जिनके अंदर ये भाव भरा हुआ, अरे अब मैं क्या करूं, करूं क्या, करूं तो क्या करूं। तो सारा सागर जो है वो खुद पी जाते हैं। पहले सागर मीठा था क्या आता है ना, सागर मीठा भी और सागर सारा भी। क्या सत्युग त्रेता में सागर नहीं होता है? होता, खारा होता है या मीठा होता है? मीठा होता है। तो मीठे सागर को उन्होंने सारा पी लिया, क्या मतलब हुआ? कौन ऐसी आत्मा है जो ज्ञान सागर को सारा ही हप कर लेती है? कोई है या नहीं है? कौन है, है? अरे ऐसी कोई आत्मा ही नहीं है जो ज्ञान सागर को पूरा हप कर लेती है, पी जाती है। क्या पिता? तो सारा सागर पी लिया और पीने के बाद फिर निकाल दिया। तो जो सागर निकला वो मीठा निकला या खारा निकला? उन क्रंच पंखियों को कैसा लगता है, खारा लगता है या मीठा लगता है? है? उनको तो खारा ही लगता है। कथाएं बना दी, फरकावादी नमकीन वैसे ही बहुत ज्यादा खारा है, बहुत प्रसिद्ध है। है? राहुल जैसा ग्रह है, राशियां कितनी है? 12 राशियां। उन 12 राशियों में कभी किसी की दशा बैठती है, कभी किसी की दशा बैठती है। सबसे अच्छी दशा किसकी होती है? बृहस्पति। और सबसे खराब दशा होती है? राहु। धर्म कितने हैं? 9 धर्म है मुख्य, बाकी 10वां जो नास्तिक है वो तो धर्म ही नहीं है, उसको धारणा नहीं कहेंगे, कहेंगे तो धारणा नहीं कहेंगे। तो उन 9 ऋषियों से जो प्रभाव पड़ता है दूसरों के ऊपर उसको कहते हैं दशा। क्या? जो 9 ऋषि हैं वो ब्राह्मणों की दुनिया में मौजूद है या नहीं है? है, है। और वो दूसरों के ऊपर प्रभाव छोड़ते रहते हैं। तो जिनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, जो उनके प्रभाव में आ जाते हैं, वो भगवान के अनुसार काम करेंगे या उन ऋषियों के बताए अनुसार काम करेंगे? उन नंबरवार ऋषियों के बताए अनुसार काम करने लग पड़ते हैं। तो कहा जाता है इनकी दशा बैठ गई। उनमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो ऋषि है उसका नाम है बृहस्पति। वो देवताओं का गुरु है, उसके प्रभाव में जो आ जाते हैं
अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये तो बृहस्पति ही है जिसको बृहस्पति कहा जाता है, क्यों बाबा किसी में प्रवेश करते हैं है? और ऋषियों में प्रवेश करते हैं या बृहस्पति में प्रवेश करते हैं? सारे वृक्ष का पति या पिता कौन कहा जाता है? अरे सारे वृक्ष का बीज कौन है? प्रजाति का। तो उसके प्रभाव के अंदर जो आते हैं वो बृहस्पति की दशा के अंदर है, वो प्रजापिता को ही मानेंगे, प्रजापिता में भी शिव बाबा को मानेंगे। जो सारे विश्व का पिता है, सारे विश्व का पति है, और जो उस पर अनिश्चय बैठ जाता है इसके ऊपर, प्रजापिता या शिव बाबा के ऊपर जिनको अनिश्चय बैठ जाता है, वो दूसरे दूसरों का ऋषियों का आसरा ले लेते हैं, प्रभाव में चले जाते हैं। तो और धर्मों में कन्वर्ट होने की शूटिंग कर लेते हैं। इतनी पार्टियां बन गई हैं, सब अपने को विष्णु 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 कहते हैं। इन पार्टियों में जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो बृहस्पति की दशा में है या औरों के प्रभाव में चले जाते हैं? क्या कहेंगे? औरों के प्रभाव में चले गए। उनमें से जो सबसे निकृष्ट है, आखिरी, वो कौन सा है? राहु। निकृष्ट उसको धर्म की धारणा जैसे है ही नहीं। कौन सा धर्म है? नहीं, उनको थोड़ी धारणा तो है, निराकार को तो मानते हैं, भगवान को तो मानते हैं, थोड़ी राजाई जो मिलती है। एक ऐसा भी है जिसको कोई धारणा नहीं, कौन? नास्तिक। उनको सिर्फ खोपड़ा ही खोपड़ा दिखाया गया, ये दिल है ही नहीं, माने बुद्धि ही बुद्धि है। दिल नाम की कोई चीज नहीं, भावना नाम की कोई चीज नहीं। तो नास्तिक धर्म है। तो कोई भावना नहीं है, बुद्धि की तीक्ष्णता के आधार पर एटम बम बनाते हैं। इतनी भी भावना बुद्धि में नहीं आती है कि एटम बम का रिजल्ट क्या होगा, दुनिया खलास होगी तो हम बच जाएंगे। तो बुद्धि ही बुद्धि चलाते हैं, दिल जो धड़ के अंदर होता है वो रहता ही नहीं, तो सबसे बुरी दशा है नास्तिकों के प्रभाव में आ जाना। और बेहद में वो पाठ तीन माताएं के पाठ कौन कर जाते? जो चार भाई है वो सीढ़ी का चित्र जब एडवांस में समझाया गया
तो समझ में नहीं आया कि चार भाई कौन है, कौन है, है? राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। उसमें एक है स्वदेशी और बाकी तीन है विदेशी, विदेश में जाके राज्य करते हैं। जो तीन विदेशी हैं उनकी अम्मा भी कैसी होगी, है? तो गुणधर्म होंगे कि नहीं माँ बेटों में, समान गुणधर्म होंगे कि नहीं होंगे, खून होगा या नहीं होगा, वैसा ही संकल्पों का खून होता है। तो राम की माँ है तो उसका नाम ही है कौशल्या, क्या कुशलता है, कर्मों में कुशल है, योग है कर्म सुकौशलम, याद में रह करके कर्म करने वाली है। जो कर्म होते हैं उसके वो कुशलता से भरपूर है, अच्छे कर्म करने वाली है, उससे बच्चा भी कैसा पैदा होता है, राम जैसी आत्मा जो देवी देवता सनातन धर्म का बीज है वो जन्म लेगी। उसके बाद दूसरी रानी कौन है, कई कई, नाम ही उसका कई कई, क्या एक बच्चा नहीं पैदा करती, कितने बच्चे पैदा करती है, हैं? कई कई करती है या एक ही करती है, हैं? कई कई बच्चे पैदा होते हैं। तो जो कई कई है बच्चे भी कई कई हो हैं, और फिर राजा दशरथ को ही मान मर्तबा देने वाली होगी या राजा दशरथ के लिए भी ये सोचने वाली होगी, चाहे जियो चाहे मर जाओ मेरा काम होने दो, तो पति के प्रति भाव अच्छा होता है या पति के प्रति भी भाव खराब हो जाता है, खराब भाव हो जाता है। इससे पैदा होते हैं भरत और शत्रुघ्न, जो इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म के बीज हैं, पक्के विदेशी, और तीसरी रानी का नाम है सुमित्रा। क्या नाम दिया है, सुंदर मित्रा। ये पैदाइश किसकी होती है, लक्ष्मण की, बौद्ध धर्म का बीज, तो बौद्ध धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है, भारत से या विदेश से, भारत से शुरुआत होती है, आदि में वो भी भारतीय है परंतु विधर्मी होने के कारण विदेशियों से प्रभावित हो जाती है वो आत्मा, इसलिए कमजोर पड़ जाती है, फिर भी भारतीयों की सदैव साथी है, अच्छे गुणों को लेने वाली है, बुरे गुणों को लेने वाली नहीं है। उनका मूल नारा क्या है, अहिंसा अहिंसा परमो धर्म।
माता भी वैसी ही और उसका बच्चा भी वैसा ही, परंतु विदेशियों से प्रभावित हो जाने के कारण उनकी प्रजा बन जाता है, इसलिए वो भी अच्छे कर्म नहीं कर पाता आदि के अंत तक। इसलिए बौद्धियों की राजाई आदि में ही चली है 500 साल, उसके बाद बौद्धियों की राजाई खलास हो गई। दुनिया में क्रिश्चियंस ने और मुसलमानों ने राज्य किया, बौद्धियों ने राज्य नहीं किया। राज्य किया हो न किया हो, गुणों में समानता सनातन धर्म के अनुकूल ही रही। इसलिए राम वाली आत्मा का साथ देता है लंबे समय तक। सनक सबसे बड़े का नाम है, सनातन सनंदन, सबसे छोटे का नाम है सनत कुमार, है सबसे छोटा लेकिन लास्ट में आने के बावजूद भी फास्ट जाने वाला है। इसलिए वो देवी देवता सनातन धर्म का ज्ञानी तू आत्मा कही जाती है, योगियों का ईश्वर कहा जाता है, योगी ईश्वर सनत कुमार, बाकी है तीन सनक सनातन सनंदन। इस्लामी बौद्धी और क्रिश्चियन धर्म के लिए और एक प्रश्न है, महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह और अर्जुन के बीच शिखंडी को खड़ा कर दिया और भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाण मारा, इसका अर्थ क्या है? माने भयंकर, जिन्होंने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, क्या प्रतिज्ञा की थी? बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, हा बाल ब्रह्मचारी, बचपन से लेकर के वयोवृद्ध होने तक उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, परंतु उनका ब्रह्मचर्य उनकी पवित्रता श्रीमत के अनुकूल पवित्रता थी या श्रीमत के बरखिलाफ पवित्रता थी? प्रवृत्ति मार्ग की पवित्रता थी या निवृत्ति मार्ग की पवित्रता थी? निवृत्ति मार्ग की पवित्रता थी, इसलिए वो सन्यासी आज भी कन्याओं का पूजन करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि सन्यासियों के मुकाबले कन्याओं में पवित्रता ज्यादा होती है या कम होती है? ज्यादा पवित्रता होती है, और पवित्रता के बल से ही सारी दुनिया के काम होते हैं। युद्ध में जीतना और युद्ध में हारना ये भी प्योरिटी के बल पर होता है। तो कन्या को बीच में खड़ा कर दिया, अब भीष्म पितामह जो पवित्रता को इतना मान देने वाले हैं कि कन्याओं को पूजा करते थे, वो कन्या के ऊपर बाण चलाएंगे? वो
कन्या के ऊपर बाण नहीं चलाते। और अर्जुन का काम बन जाता है, वो भीष्म पितामह के ऊपर कन्या को बीच में रख करके बाण मार देते हैं। वो बाण अर्जुन सीधा नहीं चलाता है, बाण किसके द्वारा होकर जाते हैं? कन्या के द्वारा। इसलिए मुरली में बोला है, तुम कन्याएं जो पवित्र रहती हो वो बड़े बड़े गुरुओं को बाण मारेंगी, इन भीष्म पितामहों को, द्रोणाचार्यों को, तुम्हारे बाण काम कर जाएंगे। एडवांस ज्ञान में कौन ऐसी कन्या है? एडवांस वाले हैं तो बड़े ज्ञानी, अर्जुन की तरह अर्जन करने वाले हैं पुरुषार्थ का, लेकिन वो कन्या कौन है जो बीच में निमित्त बन जाती है उन गुरुओं को बाण मारने के लिए? कौन है? सूत्रमाला की मुख्य है वो फीमेल मुखिया कौन है? है जगदम्बा। इन विधर्मियों को बाण मारती है, इसलिए महाभारत में दिखाया गया है बीच में शिखंडी को डाल दिया। और 12:30 हो गए, ऑफिस में भी जाना है। ये बंद करें।